गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। टुडे इज अवर सब्जेक्ट इज मैथ्स इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। आगे के वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 फिनिश किया था, आज हम लेसन नंबर 6 टाइम वो है वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे संपदास डे मतलब के सुबह उठने के बाद और सोने से पहले हम बीच में जो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसको हम बोलते हैं संपदास डे। जैसे कि गेट अप फॉर स्कूल, ईट ब्रेकफास्ट, रीड अ स्टोरी इन स्कूल, ईट लंच, प्ले, स्टडी एंड गो टू बेड। तो हम उठने के बाद और सोने से पहले बीच में वो क्रियाएं करते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ 2 है कि टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हम इन चारों पिक्चरों में से क्या करते हैं कि मॉर्निंग में हम खाने बैठते हैं क्या, मॉर्निंग में हम पढ़ने बैठते हैं उठने के तुरंत ही, नहीं। तो मॉर्निंग में हम पहले उठ के ब्रश करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं। तो इन दो पिक्चरों को राइट करना है जैसे मैंने किया। अब उसके बाद टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग। इवनिंग में हम क्या करते हैं, नहाते हैं, नहीं। हम इवनिंग में सोते हैं, नहीं। इवनिंग में हम क्या करते हैं कि स्कूल से हम घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद हम लोग खेलने जाते हैं। तो इन दोनों पिक्चरों को राइट करना है। उसके बाद टिक द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द डे। पूरे दिन हम क्या करते हैं, अब दिन में हम सुबह हम नहाते हैं और ब्रश करते हैं, लेकिन दिन में हम नहाते हैं ब्रश करते हैं, नो। तो इन द डे, तो दिन में हम खाते भी हैं और खेलने भी जाते हैं। तो इन दोनों पिक्चरों पे राइट आएगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन एट नाइट। तो नाइट में हम क्या करते हैं, तो सोते हैं और ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ है, नंबर द एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस। मतलब कि हम यहाँ पे 1 से 6 पिक्चर है, तो 6 पिक्चर 1 से 6 तक का सीक्वेंस नंबर देना है कि हम खाने को